दोस्तों ये तो सभी जानते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्मों में एक हीरो दर्शकों से सबसे ज्यादा प्यार पाता है। पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि फिल्म में एक विलन के किरदार को निभाने वाले अभिनेता भी दर्शकों से वाहवाही बटोरने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते। तभी तो बीते सालों में हमारी इंडस्ट्री में जहाँ कई अभिनेताओं ने हीरो के किरदार से दर्शकों के दिलों में अपने लिए बेहद खास जगह बनाई, तो वहीं आशुतोष राणा और शक्ति कपूर जैसे अभिनेताओं ने भी विलेन के किरदारों को निभाकर खूब तारीफें पाई। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको विलेन के किरदार से मशहूर उन अभिनेताओं के बारे में नहीं बल्कि उनके रियल लाइफ बेटों से रूबरू कराएंगे जो अपने करियर में काफी सफल है और जिनसे ये अभिनेता काफी ज्यादा प्यार करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक कर रूबरू होते हैं उन्हीं अभिनेताओं और उनके रियल लाइफ बेटों से। नंबर 1 अमजद खान। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम शुमार है अभिनेता अमजद खान का, जिन्हें आज भी शोले फिल्म के गब्बर के किरदार से याद किया जाता है। वहीं अगर बात करें इनके बेटे के बारे में तो आपको बता दें इनके 2 बेटे हैं, जिनमें बड़े बेटे सदाब खान एक अभिनेता रहे हैं जिन्होंने राजा की आएगी बारात में लीड एक्टर और रिफ्यूजी जैसी फिल्मों में बतौर सहायक अभिनेता काम किया है, पर फिल्मों में अपने पिता की तरह सफल नहीं हो पाए जिसकी वजह से आज ये बुक राइटर बन गए हैं। तो वहीं इनके छोटे बेटे सिमाब खान एक क्रिकेटर हैं जो मुंबई में होने वाली लीग कांगा क्रिकेट लीग के लिए खेलते हैं। नंबर 2 गुलशन ग्रोवर। बॉलीवुड के बैडमैन यानी गुलशन ग्रोवर भी हमारी इस लिस्ट में शामिल है। और बात करें इनके बेटे के बारे में तो इनका एक बेटा है जिनका नाम संजय ग्रोवर है जो विदेश में ही पढ़े लिखे हैं, जहां अपनी पढ़ाई के दौरान ही इन्हें एक फिल्म स्टूडियो से काम करने का ऑफर आ गया था, जिसके चलते इन्होंने बतौर एक्टर राइटर और डायरेक्टर हॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट पर काम भी किया, पर वर्तमान में ये इंडिया में काम कर रहे हैं। बता दें गुलशन ग्रोवर अपने बेटे के साथ काफी फ्रेंडली रिलेशनशिप शेयर करते हैं जिन्हें अक्सर एक साथ कई तस्वीरों में कैप्चर किया जाता है। नंबर 3 मैक मोहन। अमजद खान की तरह ही शोले फिल्म में सांभा का किरदार निभाते हुए नजर आए अभिनेता मैक मोहन भी बॉलीवुड के दमदार खलनायकों में अपना नाम शुमार करवाते हैं। वहीं बात करें इनके बेटे के बारे में तो आपको बता दें इनका एक बेटा है जिनका नाम विक्रांत मखीनजानी है, जिन्होंने बतौर एक्टर अपना करियर चुना और साल 2011 में आई फिल्म लास्ट मार्बल से डेब्यू किया, पर इस फिल्म के बाद इन्होंने लाइमलाइट से दूरी बना ली थी जिसके चलते इनकी काफी कम ही तस्वीरें देखने को मिलती है। नंबर 4 अमरीश पुरी। मोगैम्बो खुश हुआ, जी हाँ, इस डायलॉग के साथ बॉलीवुड के खलनायक अमरीश पुरी ने भी कई बॉलीवुड फिल्मों में यादगार विलेन की भूमिका निभाई है। वहीं बात करें इनके बेटे के बारे में तो आपको बता दें इनके बेटे का नाम राजीव पुरी है जो प्रोफेशन से एक फिल्म निर्माता है जिन्होंने अब तक कई फिल्मों को बनाया है। इसके साथ ही बता दें इन्होंने बीते सालों में आज शादी करके अपना घर बसा लिया और आज एक बेटे के पिता भी बन चुके हैं। नंबर 5 एमबी सेट्टी। बॉलीवुड फिल्मों में बतौर इंस्ट्रक्टर काम करने के बाद खलनायक के किरदार को निभाने वाले एमबी सेट्टी अपने लुक्स और एक्टिंग से किसी भी किरदार में जान डाल देते थे। वहीं अगर बात करें इनके बेटे के बारे में तो आपको बता दें एमबी सेट्टी ने अपने जीवन में 2 शादियां की हैं, जहां इनकी इन्हीं दोनों शादियों से इनके 3 बेटे हैं जिनमें रोहित सेट्टी, उदय सेट्टी और हृदय सेट्टी का नाम शुमार है, जिनमें रोहित सेट्टी तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर और निर्देशक हैं जिन्होंने अपने जीवन में खूब तरक्की हासिल की है। तो वहीं इनके दोनों सौतेले भाई प्रोफेशन से फिल्म प्रोड्यूसर हैं जो कि लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करते हैं और इसलिए उनकी ज्यादा तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं। नंबर 6 कबीर बेदी। खलनायकों की इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है कबीर बेदी का, जिन्होंने विलेन के रूप में खून भरी मांग और कोहराम जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। वहीं बात करें इनके बेटे के बारे में तो आपको बता दें इनके 2 बेटे हैं जिनमें सिद्धार्थ बेदी और एडम बेदी के नाम शामिल है, जिनमें इनके बड़े बेटे सिद्धार्थ तो अपनी पढ़ाई के दौरान डिप्रेशन का शिकार हो गए थे जिसके चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया और आज दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। वहीं इनके दूसरे बेटे एडम बेदी प्रोफेशन से एक्टर है जिन्हें आपने जैकपॉट फिल्म में देखा होगा, पर आपको बता दें इनके बेटे भी एक्टिंग के मामले में अपने पिता जितने सफल नहीं हो पाए। तो दोस्तों इनमें से किसके बेटे से रूबरू होकर
आप सबसे ज्यादा हैरान हुए? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।